हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, हमें देखने को मिलता है जब जैसे गर्मियाँ जा रही हैं, ठंड का टाइम आ रहा है, या इवन ठंड के मौसम में हमें देखने को मिलता है कि बच्चों को इस टाइम पे कफ़, कोल्ड, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, चेस्ट कंजेशन, छाती में बलगम जमना, इस तरीके की सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नोज़ ब्लॉक की दिक्कत आ जाती है उनको, नाक बंद होने की, नेजल कंजेशन जैसे हम कहते हैं, वो होने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी अनइजीनेस होने लगता है, वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, प्रॉपरली रात में सो नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी कुछ 5 हेल्पफुल टिप्स शेयर करेंगे जो एक्चुअल में हमने ट्राई की हुई हैं एंड काफ़ी फीडबैक्स पेरेंट्स से मिले हैं जो एक्चुअल उनके बच्चे पे वर्कआउट करते हैं। तो ये टिप्स डेफिनेटली, इसमें से कोई ना कोई टिप आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी, जिससे आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके। उससे क्या होगा, आपको जितने भी बच्चों से रिलेटेड हम वीडियो शेयर करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप वो वीडियोज़ पहले देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और मैजिकल चीज़ है, वो है ब्रेस्ट फीड। आपका बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीड के अकॉर्डिंग है, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दीजिएगा। आपका 6 महीने से छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट फीड, जितना ज़्यादा आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो उतना ब्रेस्ट फीड कराओ। उससे बच्चे की बॉडी को एक इम्यूनिटी पावर मिलती है, जिससे कि वो जो भी दिक्कतें हैं कोल्ड एंड कफ की, उससे फाइट अप कर सकता है एंड उसकी जो नोज़ ब्लॉक की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपने खुद ऐसी गरम गरम चीज़ें लेनी है, जैसे कि आप गुड़ सौंठ वगैरह खाओ, काढ़ा पियो, शहद की तुलसी, जितना आप काढ़ा वगैरह पी सकते हो वो सब पियो। उससे क्या होगा, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो गर्माहट जाती है, जिससे कि उसको कोल्ड एंड कफ से फाइट करने की इम्यूनिटी पावर मिल पाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप, दोस्तों आपके अगर आसपास तुलसी अवेलेबल है, कोई भी टाइप की, रामा शामा कोई भी तुलसी हो, आप तुलसी लो, उसको आप सिलवट्टे पे थोड़ा सा, या चकले पे, आपका नॉर्मल जो रोटी बेलने वाला चकला है उस पे भी आप थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी का लेकर के उसे घिस लो तुलसी के पत्ते को। एक ही पत्ता अगर आप लो तो आपका बच्चा छोटा है अभी, एक पत्ते को थोड़ा सा घिस लो, उसका रस निकाल के एक स्पून में थोड़ा सा रस लेकर के और थोड़ी सी शहद लेकर के आप बच्चे को उसको पिला दो। आपका बच्चा लेकिन डेफिनेटली 1 साल से बड़ा होना चाहिए, 1 साल से बड़े बच्चों को भी आप शहद दो, 1 साल से छोटे बच्चों को शहद इतना देना हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको शहद और तुलसी का ऐसे बना करके आप बच्चे को पिला दो। उसको आप 2 दिन में 2 बार पिलाओ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग के टाइम पर। तो ये काफ़ी बच्चों को हेल्प करता है, क्योंकि तुलसी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो बच्चों को कोल्ड से फाइट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तीसरी दोस्तों चीज़ है काढ़ा। काढ़ा तो बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, सबको काफ़ी हेल्प करती है कोल्ड के टाइम पर। काढ़ा आपने बनाना कैसे है, आपने 4 लौंग लेनी है, 4 काली मिर्च लेनी है, 3-4 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं और थोड़ी सी अदरक, अदरक को आप कूट लो। 1 ग्लास पानी लेकर के आप उसको बॉइलिंग में डालो। जब जैसे ही पानी उबलने लगेगा आप ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके उसको सिम पे ढक दो, कुछ नहीं तो मीडियम पे अगर आप ढको उसको, इतना उसको बॉईल होने दो कि वो 1 ग्लास का पानी 1/4 या आधा कप हो जाए, तब तक आप उसे बॉईल होने दो। उसके बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे, तब आप बच्चे को उसको पीने को दो। थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ से भी हाफ ग्लास आप बच्चे को दो, एकदम 1/4 ग्लास थोड़ा सा बच्चे को पीने को दो। आपका बच्चा छोटा है एंड उसको टेस्ट ऑब्वियस है, काली मिर्च वगैरह पड़ी है, जिंजर पड़ी है, उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, बच्चे को नहीं पसंद आएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को पीने को दो। गुनगुना ही दें, जिससे कि बच्चों को, हमें लगता है कि बच्चा गुनगुना कैसे पिएगा, बट जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है तो उन्हें कहीं ना कहीं गुनगुना पानी जब वो 1-2 सिप ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें खुद फील होता है कि उनको गले में आराम आ रहा है। तो उन्हें आप थोड़ा गुनगुना कोशिश करो बच्चों को पिलाने का। ऐसे में बच्चों को ये काफ़ी हेल्प करता है काढ़ा, बच्चों की ओवरऑल अंदर से जो बच्चों को दिक्कत है कोल्ड एंड कफ बन रहा होगा उसमें रिलीज़ हो जाता है, तो कफ बनने के जो चांसेस होते हैं वो वहीं पर ख़त्म होने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है, अगर आपके बच्चे की नाक खरखर कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके जो नाक में जो ब्लॉकेज है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस टाइम पे आप नॉर्मल से चीज़ ट्राई कर लो। आप एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लो, उसे आप प्रेस हल्का सा करके, थोड़ा सा आप टच करके देखो अपने बैक ऑफ द हैंड, अपने हाथ की हथेली के पीछे के साइड पर टच करके देखो, वो एकदम नॉर्मल हो, थोड़ा एकदम हल्का गुनगुना हो, तो वो अपने बच्चे की छाती पर जब वो सो रहा हो धीरे से हल्का सा उसको प्रेस करो 5-6 बार
बारी आप इस टाइप से धीरे धीरे करके करो। उससे क्या होगा ना, बच्चे की छाती के साइड जो एरिया है उस साइड पर थोड़ा गर्माहट बनी रहेगी, जिससे कि जो अगर अंदर कफ बनने के चांसेस हो रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे वहीं पर, कफ नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों बच्चे की नाक ब्लॉक होना या पानी आना, ये दोनों इतनी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों के साथ। अगर बच्चे को कफ बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए काफ़ी दिक्कत देता है। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, आप पोटली बना सकते हो, जो कहते हैं काफ़ी हेल्प करती है कहीं ना कहीं, जहाँ भी बच्चा बैठा है सो रहा है। अब वहाँ पे लहसुन और अजवाइन की हमने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ, उसका आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। आप लहसुन और अजवाइन की पोटली बना करके कॉटन में उसको थोड़ा सी रोस्ट करके कॉटन के कपड़े में ऐसे रैप करके बच्चे जहाँ सो रहा है उसके पिलो के पास रख दो। उसकी स्मेल से भी बच्चों को, क्योंकि इतना अनइजीनेस फील हो रहा होता है बच्चों को जब नाक बंद होती है, तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है, जिससे कि आराम से सो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब सरसों का ऑयल, इस पर भी हमने वीडियो किया, वो जाके वीडियो देखो। वो चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे की नाक बंद में काफ़ी हेल्प आउट करती है। क्योंकि नाक बंद का प्रॉपर आप, हम ये नहीं सजेस्ट करते कि आप तेल लेके बच्चों की नाक में डालो, ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी। आप बच्चे की ओवरऑल मेन मोटिव क्या है, आपको बच्चे की बॉडी में गर्माहट पैदा करनी है, जिससे कि बच्चे को आगे ठंड का जो प्रोसेस होता है, पहले नाक बंद फिर नाक बहनी फिर कफ होना, ये सारी चीज़ों से वहीं रुक जाता है पहले ही प्रोसेस पर, जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। तो आपने थोड़ा सरसों का तेल लेना है, जब तेल गर्म हो जाए उसको एकदम बंद करके उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ा लहसुन, 4-5 कलियां लहसुन की आप उसमें हल्का सा रोस्ट करके, लहसुन पूरा जलाना नहीं है, उसको हल्का पिंकिश होने देना है। लहसुन भी उसमें मैं आपको कहूँगी, लहसुन को पहले आप छील के हल्का सा कूट लो, कूट के आप डालोगे तो जो लहसुन का प्रॉपर जो रस है वो पूरा उसमें तेल में मिक्स हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी बेनिफिट देगा बच्चे को। तो आप इस तरीके से तेल बना के रख लो। एंड बच्चे की रात में, अब आपको इसमें रात में कहाँ कहाँ लगाना है दोस्तों, आपको बच्चे के तलवे पे, पैर के जो फीट है उसके नीचे के साइड में, बच्चों की बैक पर और बच्चे की छाती पर, ये तीन जगह आपको बच्चों की चेस्ट पे पीछे लगाना है, अच्छे से मसाज टाइप ऑफ कर देनी है। पैरों पे लगाने के बाद आपने उसे खुला नहीं छोड़ना है, आपको एक पतली सी कॉटन सॉक्स, एकदम पतली, नॉर्मल विंटर वेयर सॉक्स नहीं लेनी है, नॉर्मल कॉटन सी सॉक्स लेकर के बच्चे को कॉटन की सॉक्स आप पहना दो, हल्की पतली जो हो वो पहना दो। उससे क्या होगा, जो भी आपने तेल लगाया उससे जो गर्माहट बॉडी में पैदा होगी, उससे बच्चे की जो गर्माहट है वो बॉडी में बनी रहेगी, जिससे कि उसके जो बॉडी में कोल्ड एंड कफ की दिक्कत हो रही है वो सॉल्व होने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आप उपाय कर रहे हो, ये आपको सिर्फ एक या दो दिन नहीं करना है, जिससे कि बच्चे को आपको लगा हाँ आराम आ गया, आपने वहीं का वहीं उसको स्टॉप कर दिया है। अगर बच्चे को कोल्ड एंड कफ है तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया कहीं ना कहीं है, तो आपको ये सारे टिप्स कहीं ना, जो भी आपको लगे कि हाँ आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, जो आपसे हो पा रही हैं, कोशिश करो आप ये सारे टिप्स, काढ़ा, तुलसी, शहद, ये सारी चीज़ें आप पूरी सर्दी दो, हर थोड़े थोड़े दिन के गैप में। बट अगर बच्चे को है तो आप कंटिन्यूस 4-5 दिन का कोर्स टाइप ऑफ करो, एंड डेली बच्चों को ये मसाज करो, ये काढ़ा दो, जिससे कि जड़ से उसकी जो सर्दी है वो निकल जाए। जो बाल की अगर प्रॉपर सर्दी एक बार में नहीं ख़त्म होती है तो वो फिर से हर 3-4 दिन में या 5-6 दिन में फिर से बच्चे की नाक बहने लगेगी, लेकिन आपको फिर से वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो एक आप टाइप ऑफ रूटीन बना लो कि डेली आपको इस ऑयल से, जो हमने आपको बताया है, उस वजह से डेली रात में बच्चों की मसाज करनी है, जिससे कि ये कोल्ड की इशू बच्चों को पूरी सर्दी हो ही ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, एंड बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर डेफिनेटली करिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के साथ बहुत कॉमन है। नाक बंद होती है, जो न्यू पेरेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कैसे डील करना है, वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की नाक बंद है, एंड वो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ट्राई आउट कर सकते हो तो आप कर लो, डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं।